आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 7.5x साइज के क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वर्क डन फाइंड करना है, फोर्स गिवन है और दो पॉइंट्स गिवन है। हमारे पास फोर्स गिवन है, इसको हम इस तरह लिखेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाकर हम डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वैल्यूज होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स को जो है वो माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा पोजिशन वैक्टर इनके निकाल के। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है डी, ये P1 P2 वेक्टर जो है इसको फाइंड करने से आ जाएगा दो पॉइंट्स। P2 पॉइंट में से P1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आज जो है ये आ जाएगी। और वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे W=F.E, फोर्स की वैल्यू लिखेंगे डॉट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे I का जो कंपोनेंट है -1, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा 3 और 3 9, मल्टीप्लाई करने से 5 और 8 मल्टीप्लाई करने से 40, इनको सॉल्व करने से वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड एक हमारे पास जो है वो टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ फोर्स ऑफ 6 सीमेंट्स एक्टिंग पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम, दो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास, दो पॉइंट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को माइनस करने से आ जाएगा, फोर्स किस तरह निकाली, वर्क डन हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए फोर्स भी चाहिए। फोर्स के लिए उन्होंने फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है 6 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड दी हुई है, और इसका जो है वो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने क्या करना है कि पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है, अगर हम पैरेलल वेक्टर का, इस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकाल लें तो वही वेक्टर जो है वो सेम फोर्स के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस वेक्टर का हम नाम रख लेते हैं ए वेक्टर, और फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला होगा एफ वेक्टर निकालने के लिए, एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड और एफ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना है। एफ यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, जो ए यूनिट वेक्टर हमने निकाला होगा, क्योंकि ए वेक्टर और एफ जो है ये पैरेलल हैं। तो उसके लिए जो है वो हमने सबसे पहले तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा के मैग्नीट्यूड जो है वो सॉल्व कर लेनी है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास जो है ए आ जाएगा। उसके बाद इसका जो है वो यूनिट फार्मूला हम जो है वो लगाएंगे, यूनिट वेक्टर का हमारे पास फार्मूला आता है गिवन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिए, ऊपर वेक्टर लिखेंगे। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर जो निकाला है ये एफ यूनिट वेक्टर के इक्वल किस लिए होगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स के लिए जो कंडीशन है वो इनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होंगे। तो एफ वेक्टर यूनिट वेक्टर की जगह पे, पहले तो हमने एफ का फार्मूला लिखा है, इस यूनिट वेक्टर की जगह पे जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है ए यूनिट वेक्टर की, यही वैल्यू पुट कर देंगे, इसे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और 2 को अंदर साइड टर्म्स मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास जो है फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो डी, डिस्प्लेसमेंट किस तरह निकालना है, ए और बी दो पॉइंट्स है तो बी में से ए पॉइंट को अगर माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। फोर्स डब्ल्यू जो है वो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, W=F.E फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट लेना इनका, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई आ जाएगा, सेकंड सेकंड से और थर्ड थर्ड से, और जो इसको सॉल्व करने से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।